तो दोस्तों आइए देखते हैं सरब चीमा डेयरी फार्म की बछड़ियों का एक वीडियो। हमारे दर्शकों की रेगुलर डिमांड रही है कि बछड़ियों से जुड़े हुए भी कोई वीडियो शेयर किए जाए, तो इस वीडियो में आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली इस फार्म की बछड़ियों को देख पाएंगे। जो इस वीडियो का सबसे खास पॉइंट है वो ये है कि एबीएस सेक्स्ड सीमन से जो बछड़ियाँ पैदा होती हैं वो कितनी बेहतरीन होती हैं, उनका कंपैरिजन किया गया है साधारण जो बछड़ियां हैं जो नॉर्मल टीके से पैदा हुई हैं उनके साथ में। काफ़ी डिटेल में और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जानकारी इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। जो दर्शक चैनल पर नए हैं उनसे मैं शेयर करूंगा कि हम इस किस्म का पशुपालन से जुड़ा वीडियोस का कवरेज रेगुलरली अपने चैनल पर शेयर करते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं, तभी नई वीडियोस की जानकारी आप तक पहुंचेगी सबसे पहले। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्या नाम है जी आपका? सरबजीत सिंह नाम है जी। सरबजीत सिंह, तो आप ये बताओ जी, ये जो नॉर्मल सीमन लगाते हैं और एबीएस का सीमन लगाते हैं, इसमें क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस सर जी, इनमें से दो तीन बातों के डिफरेंस रहते हैं। हाँ, जो तो अच्छा सीमन है। हाँ, पहली बात तो उस बच्चे की जो शाइनिंग है, कलर की, वो बहुत सुंदर रहेगी। अच्छा, आप देख सकते हो ये नॉर्मल सीमन है अपना और ये अच्छा सीमन एबीएस का है। इन दोनों के कलर में देखो आप कितनी शाइनिंग, इस बच्चे में कितनी शाइनिंग है, देखने में कितनी सुंदर है और ये बच्चा नॉर्मल है। अच्छा, ये जो छोटा बच्चा है ये नॉर्मल है और ये जो बछड़ी पैदा हुई है आज की है ये इम्पोर्टेंट सीमन, ये इम्पोर्टेड जो है एबीएस के सीमन जी। दूसरी, इसका वजन कितना सा आया होगा जी आज? इसका जो आज का वजन है ये 65 किलो के आसपास की है। 65 किलो करीब है जी। 65 किलो की ये पैदा हुई है और अब आगे जो ग्रोथ होगी उस हिसाब से ये बढ़ेगी। अगर इस सीमन के बच्चे को अच्छी डाइट दी जाए मौके पे तो ये 9 महीने से 10 महीने में हाइट हीट में आ जाएगी और बच्चा पैदा करने की क्षमता रखेगा। इसको कितना दूध पिलाना चाहिए? तकरीबन इस बच्चे को डेली में 3 से 4 किलो दूध तो नॉर्मल चाहिए। 4 किलो दूध ज़रूरी है? नॉर्मल 4 किलो दूध इसको चाहिए, 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर अच्छी ग्रोथ करनी हो तो कितना पिला सकते हैं? 4 किलो बहुत है, क्योंकि 2 महीने बाद इनकी जब फीड चालू होगी तो असली ग्रोथ इनकी फिर बनेगी। अच्छा, 2 महीने तक तो दूध ज़रूरी है जी। अच्छा, और उसके बाद में साथ दूध के साथ फीड लग जाएगी? बिल्कुल जी। और दूध कितने टाइम तक पिलाना पड़ता है जी? दूध अगर किसान इसको 4 महीने तक दूध पिला दे तो वो बहुत ज़बरदस्त बछड़ी तैयार कर देगा जो फर्स्ट लैक्टेशन में 30 लीटर के आसपास दूध देगी। फर्स्ट लैक्टेशन में 30 किलो दूध, 30 किलो दूध देने वाली गाय बन सकती है। और ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है ये आपको क्या लगता है ये किस टाइप का बनेगा? ये क्रॉस है जी, इसको हम शाहीवाल का क्रॉस है जब हमें बोल सकते हैं। अच्छा, और इसकी जो ब्रीड है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा ये कमज़ोर भी दिख रहा है आपको। हाँ। और इसका जो वज़न है वो भी तकरीबन 30 से 35 किलो ही होगा। ये 30-35 किलो वाला बच्चा जी। और अगर हम बोलें कि ये बड़ा होके जब गाय ये बनेगी ये दूध भी 15 से 16 लीटर दूध देने वाली है, इससे ज़्यादा ये दूध नहीं दे पाएगा। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले ब्रीड ही मायने रखती है दूध के लिए। 3 चीज़ें हैं जो कि किसान को दूध देती हैं, पहली है जी ब्रीड, दूसरी फीड और तीसरा मैनेजमेंट। पहले नंबर पे अगर ब्रीड अच्छी होगी तो वो दूध देगी, जिस जानवर की ब्रीड अच्छी है वो दूध देगी। दूसरे नंबर पे फीड, डाइट, अगर हमारी डाइट जानवर को अच्छी मिलेगी तो जानवर नो डाउट दूध देगा। और तीसरा होता है जी अपना मैनेजमेंट। ये HF गाय है, ये फॉरनर ब्रीड है, जैसे गर्मियों का मौसम है आपको भी पता है कि पंजाब का जो टेम्परेचर है 47 तक जाएगा। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, देख रेख अच्छी रहेगी तो ये जानवर का पालन पोषण अच्छा होगा और ये अच्छा मिल्क देगा। 47 इस वक्त बाहर का टेम्परेचर चल रहा है जी। और अभी हमारे ये शेड के अंदर जो पंखे वगैरह चल रहे हैं, नलाई धुलाई चल रही है, यहाँ कितना टेम्परेचर होगा? ये नॉर्मल 35 के आसपास, 32 के आसपास। 32 के आसपास, 32 है जी। अच्छा, तो अब आपका एक तो नंबर बताओ भाई, कोई भी किसी काम के लिए कोई आपसे राय लेना चाहे जी। तो आपका फ़ोन नंबर बोलो। 7508023218। अच्छा, तो अब ये जो एबीएस की बछड़ी है जी,
ये 4 किलो दूध आपके हिसाब से 4 महीने तक रेगुलर पिएगी। बिल्कुल। और उसके बाद में फीड स्टार्ट हो जाएगा और फिर चारा खाने लग जाएगी। बिल्कुल, चारा ही महीने तक ही मुंह मारने लगेगी। चारा एक महीने बाद शुरू हो जाती है। ये जानवर बहुत खाने पीने के मामले में बहुत एक्टिव होता है। 1 महीने में ये अपना जो फीड है साइलेंस वगैरह को मुँह मारना शुरू कर देगा।